धार जिले की धर्मपुरी के पुराने थाने चौराहे के समीप बनी पौराणिक बावड़ी में जिले के मालवांचल के बेरछा गांव के एरविया समाज की कुलदेवी देवता के छोटे मंदिर बने हैं। साफ सफाई के अभाव में इस बावड़ी में गंदगी से पटी पड़ी है। कुलदेवी के पूजन के लिए आए परिवारों ने अपनी आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ पर प्रशासन से खासे नाराज हैं। हालांकि बैंड संस्थान के दौरे के दौरान कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बावड़ी को साफ करवाने के निर्देश तत्कालीन SDM को दिए थे, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। धार जिले गांव बेरछा के पारिवारिक मांगलिक कार्य से पहले धर्मपुरी में बावड़ी स्थित सती माता भेरू और दुजार कुलदेवी देवता पूजन का 10 पीढ़ियों से अधिक समय हो चुका है। पहले बावड़ी के आसपास दुकानें होने से बावड़ी में कूड़ा करकट डाला जाता था। प्रशासन ने आसपास की दुकान तो हटा दी, लेकिन प्रशासन ने एरिया समाज के आस्था के स्थान को गंदगी से मुक्त नहीं कर सका। हालांकि 3-4 माह पूर्व बैंड संस्थान में टापू कटाव के चल रहे कार्य के निरीक्षण के दौरान तत्कालीन SDM दिव्या पटेल को पौराणिक बावड़ी की सफाई को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक बावड़ी में गंदगी के हालात दूर नहीं हो सके हैं। नगर के बीच स्थित बावड़ी को यदि प्रशासन उसकी सफाई करवाकर उसमें रंगीन लाइट के साथ फव्वारा लगा दे तो बावड़ी न सिर्फ आकर्षक बनेगी, वहीं एवरिया समाज की आस्था को ठेस लगने से बचाया जा सकता है। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। हमारे कुल देवी सती माता जी एरविया चौहान एवं एरविया मंडलोई परिवार से हमारे परदादा 4 पीढ़ियों से पूछते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ साफ सफाई वगैरह नहीं है, गंदा नाला वगैरह ये वो कचरा कूड़ा, तो यहाँ आपसे निवेदन है कि जरा इसको साफ सफाई करवा दिया जाए या फिर जाली वाली लगा के बिल्कुल व्यवस्थित करवा दिया जाए, क्योंकि हमारे कुल देवता है यहाँ पे, जिसको अंदर भी हमारे बाप दादा बताते हैं कि अंदर भी और भी गाते हुए और भगवान बैठे हुए हैं, गंदी वाड़ा और ये सब कचरा वगैरह उनके ऊपर ये है। Subscribe now to most exciting channel ever.